けどね。नमस्कार दोस्तों, तो हम आज मझोलवा मछली बनाने जाते हैं, तो चलिए हम बना लेते हैं। दोस्तों ये बड़ा मछली का ये बच्चा है मझोलवा, तो इसको हम बनाने जाते हैं, तो हमारा शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों छोटा मछली बनाने के लिए पहले हम फांसुल पिजा लेते हैं। फांसुल को हम पिजा लिए हैं। सबसे पहले मछली का चोइठा छुड़ा लेते हैं। हमारे गांव देहात में नदी है, नदी में से मछली आता है, तो आप लोग खाए हैं नहीं खाए हमको कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग नदी में से ताजे ताजे मछली लाते हैं, बनाते हैं। सारी मछली है तो इस बुक को हम बना लेते हैं। सब फेतमाल मछली है, चार रंग का। नदी के हाथ में घर है तो हम लोग बराबर मछली लेकर के बनाते हैं नदी से। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग भी खाइए, देख करके बना करके खाइए। अच्छी तरह से हम चोइटा छोड़ा लिए हैं तो इसको थाली में रख देते हैं। दोस्तों हम सारी मछली को चोइटा छोड़ा लिए हैं, तो इसी तरह हम सबको हम छोड़ा लिए हैं बारी बारी से। आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बारी बारी से हम सब मछली को आप छोड़ा लिए हैं, इसको अच्छी तरह से हम रख देते हैं थाली में। दोस्तों जितना मछली है उतना हम चोइटा छोड़ा दिए हैं अच्छी तरह से, तो इसको हम घास खाया हुआ हम निकाल लेते हैं। दोस्तों घास खाया हुआ मछली के हम सब घास खाया सब निकाल दिए हैं, अब कढ़ाई में डाल देते हैं। दोस्तों इसी तरह सब मछली को हम घास खाया हुआ निकाल लिए हैं, तो इसको अब अच्छा तरह से हम काट करके धो लेंगे। दोस्तों घास खाया हुआ हम सभी मछली को इसी तरह निकाल दिए हैं, तो इसको अब हम पंखी काट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गांव देहात का है, इसी तरह मछली बना करके हम लोग इसी तरह हम काट लिए हैं, इसी तरह हम साफ कर लिए हैं, तो इसी तरह हम थारी में रख देते हैं। बारी बारी से सब हम इसी तरह काट लेंगे। दोस्तों तो हम इसी तरह सब मछली को हम पुच्छी काट दिए हैं, सब कचरा हम निकाल दिए हैं, तो चलिए इसको हम पानी से अब धो लेते हैं। तो हम अच्छी तरह से अब धो लेते हैं इसको। तो दोस्तों हम अच्छी तरह से इस मछली को साफ कर लेते हैं, तीन चार पानी से धोएंगे, हम थाली में रखते हैं। दोस्तों हम दो पानी से धो लिए हैं, एक पानी से सारा धो लेते हैं, साफ हो जाएगा। थाली में रख देते हैं। दोस्तों एक पानी से सारा धो लेते हैं तो फ्रेश हो जाएगा। थाली में रख देते हैं। दोस्तों तो हम अच्छी तरह मछली को साफ करके धो लिए हैं, तो इसको लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला लाने जाते हैं।
तो दोस्तों हम मछली में लिए मसाला ले लिए हैं, ये धनिया है, ये लाल मिर्ची है, तजपत्ता है, धनिया पत्ता है, ये पीला सरसों है, लहसुन है, जीरा को ले लिए हैं। तो चलिए हम पत्थर पर पीस लेते हैं। तो पहले हम लहसुन पीस लेंगे, तो पहले हम पत्थर को धो लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हम धो लिए हैं, तो पहले लहसुन हम पीस लेते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों तो हम मसाला पीस के तैयार कर लिए हैं, हाथ भी दुखा जाता है मसाला पीसने से, तो अब उठा लेते हैं। ये हल्दी भी उठा लेते हैं, लहसुन भी है। तो हम सब पीस करके तैयारी कर लिए, सब चूल्हा के नजदीक जाते हैं। दोस्तों हम मछली भी तैयार कर लिए हैं, मसाला भी तैयार कर लिए हैं, तो अब इसको लिए हम जलावन लाने जाते हैं। दोस्तों हम चूल्हा धरा लेते हैं। दोस्तों हम चूल्हा धरा लिए हैं, तो हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। दोस्तों हम मछली के लिए तनी हम नमक डाल देते हैं, तनी लहसुन डाल देते हैं, इसको हम सेकौआ बना लेंगे। जरा नमक डाल देते हैं, स्वादिष्ट बढ़ जाएगा। अच्छी तरह से हम मिला दिए हैं, तो चलिए हम तेल डालते हैं, सरसों तेल हम डाल देते हैं। जरा चारों बॉल हम घुमा देते हैं अच्छी तरह से, तो हम इसको घुमा दिए हैं, तो इसमें हम मछली अब डाल देते हैं। धीप गया तेल, देहात का इसी तरह तरीका रहता है, इसी तरह हम बना लेते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक तरफ तो सीझ गया है, तो हम इसको उलटा देते हैं दूसरी तरफ। इसी तरह से हम अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। दोस्तों हमारा मछली तो फ्राई हो गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सब मछली को निकाल लिए। दोस्तों तो हम मछली फ्राई कर लिए हैं, तो मछली के लिए हम मसाला घोर लेते हैं। दोस्तों तो हम मसाला तैयारी करने के लिए हम फोरन तेल डालते हैं, सरसों क्या है या सरसों दोनों मिक्स करके डालते हैं। तो दोस्तों हम मसाला घोरा हुआ डाल देते हैं। तो हम मछली के लिए हम टमाटर भी हम काट लेते हैं, उसमें डालेंगे। दोस्तों हम मछली के लिए धनिया पत्ता काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, तो हम मसाला को खदकाते हैं। तो मसाला खदक कर तैयार हो गया, तो इसमें हम मछली फ्राई डाल देते हैं। दोस्तों हम नमक भी डाल देते हैं, दोस्तों हम टमाटर भी डालते हैं।
दोस्तों मछली तो खदक गया है तो इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। दोस्तों मछली बनकर तैयार हो गया है तो इसको हम चूल्हा पर से उतार लेते हैं। दोस्तों तो मछली बना करके तैयारी कर लिए हैं, साथ में चावल है तो हम खा करके देखते हैं जो कैसा स्वाद बना। दोस्तों तो हम थाली परोस लेते हैं। दोस्तों चावल परोस लिए हैं तो अब मछली परोसते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आप मिलेंगे अगले वीडियो में रेसिपी के साथ।